तो इसी का फर्स्ट सम देखते हैं हम लोग क्या होगा। 3x² है, x6 + 1 है, तो कैसे बनाएगा? तो क्या करेंगे, सिंपल इसको भी क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा ब्रेक हो सकता है हमारे पास 3। ये सारा आपको रेशनल पे भी मिलेगा। अभी क्या हो सकता है इसमें, अभी लेट कर लेंगे। तो लेट करने से क्या होगा, t को क्या मान लो, x³ मान लो, ठीक है, ये dt। और इसका भी क्या हो जाएगा, डिफरेंस है 3x², ये dx। तो हमारे पास dx जो हो जाएगा क्या होगा, 3x² dt 3x², ठीक है। अभी आके पुट कर देंगे उसमें, तो कर देते हैं 3x², इसको हमने क्या माना t, तो ये t² हो गया +1। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dt/3x², ये गोज आउट। अब भी फॉर्मूला देखो लगा, बताया था, अभी जाके देखो आपको फॉर्मूला पता चलेगा। ये क्या हो गया हमारे पास, t² + 1 बताए थे प्लस वाले केस में, तो ये 1/1 ही रहेगा। ये क्या हो, टेन इनवर्स t/1 ये प्लस सी, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो ये t का क्या मान है, x³ + c, तो इट विल योर आंसर। ओके, इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है आपको, ठीक है, 1 + x² + a² वाला, दैट 1/a और 10 इनवर्स 1 x/a + c। ओके, ये चेक कर, तो ये इसके थ्रू आंसर हो गया। ओके, अभी हम लोग कब देखते हैं सेकेंड नंबर। ओके, तो सेकेंड का हम लोग को क्वेश्चन दिया है 1 1 + 4x² ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला पे लाने का कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्या है, इसके अंदर क्या है, रूट को जो है इसको एक मल्टीप्लाई कर दो 1/4 से, ठीक है, 1/4 नहीं, 4 से करो। तो और ये 1, तो ये तो 1 ही रह जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 4 निकल गया, तो ये x² dx हो गया ऑलमोस्ट। अभी ये रूट है, इसका रूट निकाल के क्या हो जाएगा, 2 हो सकता है। ओके, अभी ये क्या हो जाएगा, इन सबको 1/2² लिख सकते हैं, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, बस आपका ये फॉर्मूला एक सेटअप हो चुका है, आप देख सकते हैं। ऐसे डाल दो। ओके, तो अभी ये कौन सा फॉर्मूला में हमारा, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, log x + √x² + 1/2² + c, तो इस तरह। तो वो बेसिक क्या है ना, फॉर्मूले आपको गेट इट, तो वो कैसे होगा, डे बाय डे रिकैप्चुलेशन से डेली बैठ कर थोड़े थोड़े मैथ्स बनाने का, रटने से नहीं होने वाला। ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑन योर दिस सेक्शंस। ओके, सो नेक्स्ट।